हेलो स्टूडेंट्स, आज हम छोटा सा टॉपिक करने वाले हैं, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं करेंगे। ये है बॉक्स, एक हमारे पास है ना। इस बॉक्स के अंदर कुछ सिंबल्स बने हुए हैं। इन सिंबल्स का क्या मतलब था वहाँ पे, उसका क्या मायने थे और किस तरीके से वो समझे जाते थे उन सिंबल्स को। तो ये यूज़ किए गए हैं सिंबल्स, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसके अंदर, जो उनकी बुक्स बनी हैं उसके अंदर इनको यूज़ किया गया है। तो इस तरह से हम थोड़ा सा इन सिंबल्स को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल, ये सिंबल बने हुए थे। पॉलिटिकल सिंबल क्या थे? द मेजोरिटी ऑफ मैन एंड वूमेन इन द 18th सेंचुरी कुड नॉट रीड और राइट। अब ये सिंबल्स बनाने क्यों पड़े? क्योंकि 18th सेंचुरी के जो लोग थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, उनको लिखना नहीं आता था, पढ़ना नहीं आता था। इसलिए क्या हुआ कि किसी भी थॉट को, अपने विचारों को उनको बताने के लिए, सो इमेज और सिंबल्स वर फ्रीक्वेंटली यूज इंस्टेड ऑफ द प्रिंटेड वर्ड टू कम्युनिकेट इम्पोर्टेंट आइडियाज। यानी कि जो इम्पोर्टेंट आइडिया हैं, जो अपने विचार हैं, जो अपने थॉट्स हैं, उनको समझाने के लिए क्या होता है कि शब्दों की बजाय हम क्या करते हैं, किसी ना किसी सिंबल का यूज़ करते हैं, ठीक है, कोई शेप का यूज़ करते हैं। तो उसको सिंबल, इमेज, शेप, ये कुछ चीज़ें हमने वहाँ पे यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। द पेंटिंग बाय द ले बार्बियर, जो फिगर 8 था हमारा, जैसे उसने एक पेंटिंग बनाई थी, लास्ट फिगर की बात करते हैं हम जो लास्ट पेज पे आया था, जैसे ये पेंटिंग बनी हुई थी, ठीक है। इस पेंटिंग को आप देखिए, अब इस पेंटिंग को हम देखेंगे तो उसके अंदर आपको बहुत सी चीज़ें नज़र आएंगी, बहुत से सिंबल्स नज़र आएंगे। ये ले बार्बियर ने बनाया था, कब बनाया था? 1790 के अंदर बनाया था। और इसके अंदर बीच में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए, डिक्लेरेशन जो हुआ था हमारा, डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, वो लिखा हुआ है। एक लेडी इधर बैठी हुई है जो ब्लू, वाइट और रेड कलर के अंदर है ना। और वो लेडी, उस लेडी लेफ्ट साइड में एक लेडी राइट साइड में बैठी हुई है, जिसके विंग्स निकले हुए हैं, पंख लगे हुए हैं उसके, और हाथ में कुछ छड़ी सी है। तो वो सिंबल्स हैं हमारे पास, ये सारे सिंबल्स। बीच में एक रोड सी आपको दिख रही होगी, लकड़ी का गट्ठा है, क्योंकि उससे लकड़ी उसके अंदर बनी हुई। ये सिंबल्स क्या शो करना चाहते हैं उसको, ये सिंबल्स क्यों बनाए? ये लोगों को समझाने के लिए सिंबल्स बनाए जाते थे इस तरह। तो जो बुक के अंदर लिखा हुआ है उसकी बात कर रहे हैं अपने, ठीक है। तो ले बार्बे ने अपनी जो पेंटिंग के अंदर जो डिक्लेरेशन था उनका, उसके अंदर जो बात लिखी थी, वो लोगों को पहुँचाने तक के लिए इन सिंबल्स का प्रयोग किया था, इन सिंबल्स को यूज़ किया था उन्होंने, ठीक है। द पेंटिंग बाय द ले बार्बिए यूज मैनी सच सिंबल टू कन्वे द कंटेंट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट। लेट अस ट्राई टू रीड दीज सिंबल्स। अब देखिए, लेफ्ट साइड में एक हथकड़ी टूटी हुई है, हमें उसके साथ में है द ब्रोकन चेन। इसका मतलब ये था कि चेन वर यूज To fetter slave, a broken chain stain for the act of becoming free। दोनों मतलब हाथों के अंदर ये पहनी जाती थी, दासों को या स्लेव्स को बांधने के लिए प्रयोग किया जाता था, इसका यूज़ किया जाता था इन चेन का। और टूटने का मतलब है कि अब वो दास नहीं रहे, अब वो स्लेव नहीं रहे, अब वो गुलाम नहीं रहे, ठीक है। तो उनसे उसको आज़ादी मिल गई। तो ये टूटी हुई चेन वहाँ पर सिंबल ये रिप्रेजेंट कर रही है उसको, ठीक है। सेकंड हमारे पास जब बात करते हैं द बंडल ऑफ रोड, ठीक है, और फासियस। बंडल ऑफ रोड कह दीजिए या इसको फासियस कह सकते हैं। वन रोड कैन बी इजीली ब्रोकन, बहुत पुरानी कहानी है, बहुत बार आपने सुना होगा कि एक लकड़ी को इजीली तोड़ दिया जा सकता है, लेकिन वही अगर पतली पतली लकड़ियाँ एक साथ में हो, ठीक है, तो उस पूरे गट्ठर को तोड़ना संभव नहीं होता, ठीक है। तो ये क्या है, यूनिटी को बताता है। तो ये चीज़ उन्होंने कहा कि वन रोड कैन बी इजिली ब्रोकन बट नॉट एन एंटायर बंडल, स्ट्रेंथ लाई इन यूनिटी। तो ये एक यूनिटी का सिंबल इन्होंने बनाया। फिर एक ट्राइंगल के अंदर द आई विद इन अ ट्राइंगल, इसका क्या मतलब हुआ? और उसको कुछ लाइट्स, रेडिएटिंग लाइट्स, उसके ऊपर कुछ लाइट पड़ रही है ना, तो इसका मतलब है द ऑल सीइंग आई स्टेन फॉर नॉलेज। आँख जो है वो
नॉलेज का सिंबल है, आई जो है नॉलेज का सिंबल है, एंड द आई ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड ऑफ इग्नोरेंस। और जो सूर्य की लाइट है या सन की लाइट हम कह सकते हैं, सन की जो रेज हैं, है ना, वो क्या करेंगे, इस जो इग्नोरेंस दैट मीन्स अज्ञान रूपी जो अंधेरा है हमारा, जो क्लाउड है, जो बादल हैं, अज्ञान रूपी बादल हैं, इनको चीरती हुई वो बाहर निकल आएगी, इस अंधेरे को मिटा देगी। क्योंकि जब सनलाइट आएगी तो क्या होगा, अंधेरा भाग जाएगा। तो ये जो क्लाउड ऑफ इग्नोरेंस है, जो अज्ञान का क्लाउड है, जो नॉलेज नहीं है जिसका इग्नोरेंस का है, वो हट जाएगा सन की लाइट से, दुआ मन के उड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक सिंबल बना हुआ है, वो है सेप्टर। सेप्टर क्या होता है, सेप्टर दैट मीन्स राजा के हाथ में एक छड़, जैसे आपने देखा होगा ना पुलिस के हाथ में एक ऑफिसर होता है, उसके हाथ में छोटा सा डंडा होता है, या कोई बड़ा ऑफिसर होता है, मिलिट्री पर्सन उसके पास में, तो इस तरह का एक सेप्टर है, इसको सेप्टर कहा जाता है, ये राजदंड जिसको कह सकते हैं कि हाँ भाई ये एक चीज़ हमारे पास है जो उनके प्रभुत्व को, उनके क्या कह सकते हैं उसको, उनकी शाही ताकत को, ताकत का सिंबल है, ठीक है। तो जितने भी बड़े ऑफिसर्स होते हैं उनके हाथ में ये डंडा दिया जाता है, जैसे पुलिस ऑफिसर्स वगैरह जो है उनके हाथ में, तो इससे सत्ता का प्रतीक है ये, उनकी सिंबल ऑफ द रॉयल पावर, कि वो राजसी ताकत उनके पास में है, रॉयल पावर उनके पास में है। फिर उसके बाद एक सिंबल है हमारे पास, स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग। एक रिंग के फॉर्म में एक स्नेक बनाया हुआ है कि वो अपनी ही टेल को खाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब आपका ये है कि कंटिन्यूटी का बात हम कह सकते हैं, ठीक है। द सिंबल ऑफ अटेनिटी दैट मीन्स कि इन्फिनिट टाइम तक चलने वाली चीज़। अ रिंग हैज़ अ नाइदर बिगनिंग और नॉर एंड, जिसका कहाँ से स्टार्ट हुई कहाँ ख़त्म हुई ये पता नहीं है। तो इस तरीके की एक बात चलने वाला उसका सिंबल बनाया है इस प्रोग्राम में। फिर नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं कि एक सिंबल है, रेड फ्राइजियन कैप बनी हुई है। अब ये फ्राइजियन कैप जो है वो किस चीज़ का सिंबल था, कि जो स्लेव्स थे उन्होंने फ्री होने के बाद में इस टोपी को पहनना स्टार्ट किया था, तो ये उनके एक लिबर्टी, एक स्वतंत्रता, एक उसकी पहचान बन गई। जैसे ब्रोकन चेन हमारी लिबर्टी की पहचान बनी थी, वैसे ये बन गई थी, ठीक है। फिर हमारे पास एक नया सिंबल आता है, ये रेड फैशन कैप है। फिर हमारे पास एक नया सिंबल आता है, ब्लू वाइट रेड, द नेशनल कलर ऑफ फ्रांस। ये तीन कलर्स हैं, इन कलर्स को जोड़ दिया और ये लेडी बैठी हुई है, वो नेशनल लेडी बनाई हुई है, जैसे अपने भारत माता बनाई है वैसे उस टाइप से, और वो फ्री हुई हुई है, दोनों हाथों में टूटी हुई चैन उसके हाथ में है। और नीचे बनाया था विंग्स, द विंग्ड वूमेन, है ना। अब ये विंग्ड वूमेन क्या थी, ये है परफेक्शंस ऑफ लॉ, दैट मीन पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ का मतलब होता है कि जो कानून की देवी, जिसको अपने अपने यहाँ पे कानून की देवी बनाते हैं ना, जो एक हाथ में तराजू लेके खड़ी रहती है और आँखों पे पट्टी बंधी होती है, तो वो हमारी कानून की देवी। तो वैसे वहाँ पे उन्होंने एक इसको इमेजिनेशंस दी थी कि लॉ की, कानून की देवी जो होगी उसका मानवीय रूप हम कह सकते हैं, ह्यूमन रूप में उसको कैसे देखा जाए, वो उन्होंने वहाँ पे इस तरह से उनको सिंबल बना के समझाने की कोशिश की थी। एंड लास्ट में हमारे पास है द लॉ टेबल, द लॉ टेबलेट, दैट मीन्स कि ये जो है इसके ऊपर कानून लिखा हुआ है, ये कैसा ब्लैक बोर्ड था उसके ऊपर कानून लिख दिया गया था। द लॉ इज़ द सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, कानून सबके लिए समान है और उसकी नज़र में सब बराबर है। तो ये सिंबल है, कई बार छोटे छोटे सिंबल्स के थ्रू समझाने की कोशिश की। अब वापस हम फिगर के पे चलते हैं, जो फिगर बनाया गया था उसके अंदर देखें हम ये चीज़ें कहाँ कहाँ पर हैं। ये देखिए बीच में आपको आई नज़र आ रही है ना, ये यहाँ पे द विंग्ड वूमन नज़र आ रही है इस साइड में, इस साइड में हमारे पास ब्लू वाइट रेड कपड़े पहने फ्रांस, ठीक है, खड़ा हुआ नज़र आ रहा है उसके अंदर। बीच में ये रेड कैप नज़र आ रही है जो फ्री होने का सिंबल है,
ठीक है, रेड कैप जो रेड फाइजन कैप थी वो नज़र आ रही है। द बंडल ऑफ रोड्स, इसके नीचे ये बंडल ऑफ रोड्स बीच में नज़र आ रहा है, शायद आपको दिख रहा होगा, है ना, ये बंडल ऑफ रोड्स है इसके अंदर। फिर इस तरफ आप बीच में ये रिंग जो नज़र आई आपको, ये स्नैक वाली रिंग, स्नैक बाइटिंग इट्स टेल्स टू फॉर्म अ रिंग, ये सिंबल आपको नज़र आया। इसी तरह से इनके हाथ के अंदर ये टूटी हुई हथकड़ी, चैन या बेड़ियाँ कह सकते हैं हम उसको, ये इसमें सिंबल है। तो इन सिंबल्स के अकॉर्डिंग, और बीच में इसके क्या लिखा हुआ है, वो डिक्लेरेशन लिखा हुआ है, जो घोषणा पत्र लिखा हुआ है, जो डिक्लेयर करने की बात की थी इन्होंने, ठीक है, जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिख लिया था उसका डिक्लेरेशन, द डिक्लेरेशन ऑफ राइट एंड मैन ऑफ सिटीजन, क्लियर। तो ये सब वो जो वर्ड जो पिछले पेज पे हैं आपके, वो सारे के सारे, ये द डिक्लेरेशन राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, ये पूरा का पूरा इसके ऊपर लिखा हुआ है इस ब्लैक बोर्ड के ऊपर। तो इस तरह से इसको एक्सप्रेस करने की बात की इन सिंबल्स के थ्रू, ताकि अनपढ़ लोग भी इसको समझ लें। अभी कुछ क्वेश्चंस हैं, वो थोड़ा सा आप देखने की कोशिश कीजिएगा। एक्टिविटी है सिंपल, ये एक होमवर्क मान लीजिए इसको, कि पहली बात तो आइडेंटिफाई द बॉक्स इन द, जो बॉक्स के अंदर सिंबल में है कौन कौन से जो है लिबर्टी, इक्विटी और फर्टिनिटी को दिखाते हैं। लिबर्टी को कौन सा दिखाता है, द ब्रोकर चेन जैसे हैं वो लिबर्टी को दिखा रहा है, जो रेड कैप है हमारे पास फाइजिन कैप वो लिबर्टी को, स्वतंत्रता को बता रही है। फर्टिनिटी को बताने वाली कौन से हैं, द बंडल ऑफ रोड्स या ब्लू वाइट रेड जो कलर में लेडी है वो किसको बता रही है, एकता का प्रतीक बता रही है, वो सारे कलर्स उनके मिल गए हैं आपस में, इस चीज़ को बता रही है। तो इस तरह से आपने इसको थोड़ा सा करके देखना है। दूसरा, उन्होंने बताया एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द पेंटिंग ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन बाय रीडिंग ओनली द सिंबल। आप उसके उसके बारे में आप बताइए कि किस तरीके से जो ये फिगर एट किसने बनाया था, लेब बारबी ने जो बनाया था, उसके सिंबल्स की आपने एक्सप्लेनेशन देना है, तो वो बता चुके हैं अपने, है ना। थर्ड हमारे पास है कि कंपेयर अ पॉलिटिकल राइट विच इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गेव अ सिटीजन विद आर्टिकल 1 and 6 ऑफ द डिक्लेरेशन, सोर्स सी, सोर्स सी कौन सा है, वो डिक्लेरेशन लास्ट पेज पे जो है उसमें 1 to 6 है, ठीक है। ये जो डिक्लेरेशन है, आर द टू डॉक्यूमेंट्स कंसिस्ट, डू द टू डॉक्यूमेंट कन्वे द सेम आइडिया, यानी कि जो 1 से 6 के अंदर जो अधिकार दिए हुए हैं उनको आपस में आपने कंपेयर करना है, ठीक है। क्या ये दोनों डॉक्यूमेंट जो एक दूसरे के साथ में चलने वाले हैं, या ये दोनों जो डॉक्यूमेंट हैं एक ही विचार मिलता है इससे, ये चीज़ आपको थोड़ा सा देखने वाली है उसके अंदर। तो हम इसके अंदर क्या कह सकते हैं इसको, ये थोड़ा सा आप देखें, विचार करें इसके अंदर, सोचें कि क्या ये रियल में दोनों एक जैसे हैं या नहीं है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट वो सेम बात कहते हैं, दोनों एक ही बात कह रहे हैं कि जितने भी सिटीजन हैं वो इक्वल बिफोर द लॉ, बराबर हैं, सेम आइडिया है दोनों का, जब से पैदा हुए तब से उनके साथ में जैसे जैसे सिटीजन बने हैं वो सिटीजन बराबर होने चाहिए, यही बातें कही गई है। तो उसको डिक्लेरेशन ऑफ लॉ को पढ़िए, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि किस तरह से इसको करना है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है कि 1791 के अंदर विच ग्रुप ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी वुड हैव गेन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, यानी कि 1791 के अंदर जो सोसाइटी थी, जो हमारा 3 states में डिवाइडेड थी, उसमें से कौन से ग्रुप को बेनिफिट हुआ, ये थोड़ा सा आप उसको देखें, ठीक है। विच ग्रुप वुड गिव द रीज़न टू बी डिसेक्टिफाइड, कौन सा ऐसा था इसमें से जिसको ये लगा हो कि साहब मेरे को कुछ मिला ही नहीं, ठीक है। और जो हमारे पास मरा थे, जो दूसरे बात करते हैं अपने लास्ट पेज के ऊपर जो थे जॉन पॉल मरा, उन्होंने क्या कहा था उस ग्रुप के बारे में, ये सोर्स बी के अंदर आपके पास है। तो इसको आप थोड़ा सा देखिएगा और करने की कोशिश कीजिएगा कि तीनों में से बेनिफिट किसको मिला, अमीरों को मिला था, क्लर्जी को मिला था, या नोबेल को मिला था, और रह कौन गए थे पीछे। वो मैं जानबूझ के थोड़ा सा हिंट भी दे रहा हूँ, बता भी नहीं रहा, ताकि आप थोड़ा सा इसके ऊपर दिमाग लगाएं और उसको करने की कोशिश करें। ये बता चुका हूँ मैं लास्ट वीडियो में, नहीं है तो वापस आप लास्ट वीडियो देखिए। फिर
जो लास्ट है हमारे पास इमेजिनेशन द इम्पैक्ट ऑफ द इवेंट इन फ्रांस ऑन द नेबरिंग कंट्रीज सच इज पर्शिया ऑस्ट्रिया हंगरी स्पेन इनके ऊपर भी कुछ असर पड़ना स्टार्ट हुआ। वहाँ पे भी क्या था मोनार्की सिस्टम्स थे एब्सोल्यूट मोनार्की सिस्टम था वहाँ पे तो वो जो किंग्स थे जो दूसरी चीज़ें फ्रांस में जो बाल घटनाएँ हो रही थी जो काम हो रहे थे तो इनके ऊपर वहाँ के जो राजा थे वहाँ के जो नोबल्स थे जो पीजेंट्स थे उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा वो क्या सोचने लगे होंगे थोड़ा सा सोचिए क्या उनको डर नहीं लगा कि जैसा फ्रांस में हो गया वो हमारे यहाँ पे भी हो सकता है जैसा वहाँ के गांव के लोगों ने किया वहाँ के किसानों ने किया वहाँ के लोगों ने किया राजा को लिमिटेशन में ला दिया वैसा हमारे साथ हो सकता है इस तरह से थोड़ा सा सोचने की कोशिश की है। तो ये क्वेश्चन बेटा इस तरह से आ सकते हैं सिम्बल्स के ऊपर फिगर्स के ऊपर तो ये भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए इसको ओके चलिए कल देखते हैं इससे आगे थैंक यू।